कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, भारत में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बलात्कार अबोध बालिकाओं के साथ हो रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। सड़क के मामले पर वर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की और उन्हें विजन वाला नेता बताया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश को शांति का टापू बताते हुए कहा कि यह संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने वाला प्रदेश है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड आ रहा है कि संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बलात्कार अबोध बालिकाओं के साथ हो रहे हैं, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। सरकार की नाक के नीचे भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। पूरे भारत में मध्य प्रदेश रेप की राजधानी बन गया है। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, ये संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने वाला प्रदेश है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड आ रहा है इस समय कि संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां सबसे ज़्यादा बलात्कार अबोध बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ गैंगरेप, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश रेप की राजधानी बन गया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी भाजपा में एक नेता विजन वाला है। उन्होंने कहा कि 18 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं और उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरी सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। उन्होंने कहा है कि भाषण और लुभावनी बातों से काम नहीं होता, उसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होना चाहिए। मैं उस नितिन गडकरी की तारीफ करता हूँ कि एकमात्र नेता बीजेपी में विजन वाला। हर भारतीय की इच्छा है, हर मध्य प्रदेश के निवासी की इच्छा है कि उसकी सड़कें इतनी मापदंड के अनुसार इतनी व्यवस्थित बने कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो मापदंड उन पर खरी उतरे। लेकिन ये बात शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे 18 साल बार बार बोलते थे कि मेरी सड़कें अमेरिका से अच्छी। भाषण और बात करने से नहीं होता, उसके लिए ईमानदारी, पवित्र परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।